अस्सलाम वालेकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन है और लिया है मैंने ऐसे ये वाले कप से दो कप चावल ली हूँ। ये कोलम चावल है, इसे मैंने पानी में भिगो कर रखा है, धोकर भिगो कर रखा है। अब मैंने लिए ये दो छोटी प्याज मैंने कट करके ली हैं, ये दो छोटे टमाटर हैं, ये जीरा पाउडर है एक चम्मच लिया है, ये काली मिर्च का पाउडर है ये आधा चम्मच लिया है, ये आधा चम्मच गरम मसाला, ये आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली है, ये मैंने 5-6 हरी मिर्च ली हूँ, ये मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, ये मैंने 3 टेबलस्पून तेल लिया हूँ, ये मैंने लिए है 2 तेज़पत्ता, ये 2 मैंने इलायची ली हूँ, ये दालचीनी है, ये 6 लौंग है और ये मैंने 1 नींबू लिया है। ये मैंने 2 आलू कट करके धो कर ली हूँ, ये है आधा कप दही है, ये पुदीना है और ये कोथमीर है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी इसके अंदर ये तेल डाला है, और ये 2 आलू जो कट किए हैं वो इसके अंदर डालती हूँ। इसे थोड़ा हमें फ्राई करना है। अब हमारे हो गए, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ प्याज। ये देखो, हमको ऐसे आलू करना है। अभी प्याज को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे, साथ ही हम ये हरी मिर्च भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे भून लेंगे। साथ ही हम इसमें ये जो गरम मसाला है वो डाल देंगे, तेज पत्ता, ये दालचीनी, ये लौंग और ये इलायची, इसे मैं कट करके डालती हूँ। अब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम आलू डाल देंगे। अब हम ये पूरे मसाले डाल देते हैं। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और ये स्वादानुसार नमक डाल देंगे। बाद में फिर टेस्ट कर देख लेंगे नमक है या नहीं। अब हम इसके अंदर ये पूरा दही डाल देंगे। इसे जल्दी से अब हम ये चिकन डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर कोथमीर और पुदीना डाल देंगे। और ये नींबू निचोड़ लेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसके अंदर ये चावल डाल देने हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैंने पानी डाल दिया है, चावल से इतना ऊपर पानी लेना है,
पूरा मिक्स करके मैंने अभी इसे ढक कर रख दूंगी। ये मैंने कुकर में बनाया है पर मैं इसे लिड नहीं लगाऊंगी, मैं ये प्लेट ढक दूंगी, फिर इसका इसके अंदर का पानी ख़त्म हो गया फिर मैं बताती हूँ। देखो हमारा पानी कम हुआ है, अब हम इसे ये लोहे के तवे पे रख लेंगे। स्टार्ट में हम गैस हाई पे रख देंगे, फिर तवा गर्म हो गया तो इसे मैं कम पे रख दूंगी और ये ढक के इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखो हो गया हमारा पुलाव रेडी, ये 20 मिनट में ही हो गया, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखो हो गया हमारा पुलाव रेडी, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत अच्छा बना है, पहले नमक थोड़ा कम था, दोबारा मैंने नमक थोड़ा सा डाल दिया, अभी ठीक बहुत अच्छा लग रहा है। प्याज नींबू के साथ आप इसे खा सकते हो। ये रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।